एक और बड़ी खबर बताते हैं, जहां केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का छत्तीसगढ़ आज दौरा है। बुधवार को खैरागढ़ में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। खैरागढ़ में बीजेपी प्रत्याशी के हक में वोट मांगेंगे। कई जगह जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी नेताओं के साथ बैठक भी की जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का छत्तीसगढ़ दौरा है। बता दें, बुधवार को खैरागढ़ में बीजेपी के लिए वो प्रचार करेंगे और बीजेपी नेताओं के साथ बैठक भी की जाएगी। खैरागढ़ में बीजेपी प्रत्याशी के हक में वोट मांगे जाएंगे। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे लगातार हमारे साथ रायपुर से बनी हुई हैं। सुप्रिया, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का छत्तीसगढ़ दौरा है। कितने दिनों का उनका दौरा है, क्या कुछ उनका कार्यक्रम है? बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है। वो आज शाम को छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे, उसके बाद सड़क मार्ग से वो भिलाई के लिए जाएंगे और वहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद दूसरे दिन जो है खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार करेंगे, तमाम आम जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके अलावा रैलियां भी निकाली जाएगी। तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री खुद आ रहे हैं और प्रचार प्रसार करेंगे और पीएम मोदी की जो उपलब्धियां हैं उन्हें बताएंगे और यहाँ पर ये भी बताएंगे कि कांग्रेस की सरकार ने 3.5 साल में कुछ काम नहीं किया, जैसा कि भाजपा के नेता कहते आए हैं। तो इस तरीके की बातें कहते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मुद्दे की बात तो यही है कि वो पीएम मोदी की उपलब्धियां गिनाएंगे और ये बताएंगे कि खैरागढ़ उपचुनाव में भाजपा को जिताना क्यों जरूरी है। तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री आने वाले हैं और उनका भी धुआंधार दौरा जो है वो यहाँ पर रहने वाला है, 2 दिवसीय दौरा है। देखिए सुप्रिया, बीजेपी नेताओं के साथ लगातार की जाएगी बैठक में किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, देखिए बीजेपी मिशन 2023 की तैयारियां भी कर रही है। बीजेपी अब ये देखेगी कि खैरागढ़ उपचुनाव में अगर वो जीत हासिल करती है तो बीजेपी इस कॉन्फिडेंस के साथ मिशन 2023 में उतरेगी कि अब भाजपा ही जीतेगी। तो वहीं दोनों ही पार्टियों के लिए ये खैरागढ़ उपचुनाव काफ़ी चुनौती भरा या फिर ये कहे कि चैलेंज है एक तरीके से, क्योंकि मिशन 2023 की तैयारियाँ दोनों ही पार्टियाँ कर रही है और कांग्रेस को अभी 3.5 साल का जो कार्यकाल है वो भी पूरा हो चुका है। बीजेपी भी यही कह रही है कि कांग्रेस अपने जन्म घोषणा पत्र के वादे भूल गई। दूसरी ओर कांग्रेस का ये कहना है कि विकास के जो कार्य है वो 3.5 साल में बेहतर हुए हैं, रोजगार का जो दर है वो कम हुआ है। लेकिन अब देखना होगा कि खैरागढ़ उपचुनाव में जीत किसकी होती है। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का दौरा है और अब देखना होगा कि वो किस तरीके से, किस मजबूती के साथ वहाँ पर खैरागढ़ के चुनावी रण में प्रचार प्रसार के लिए उतरते हैं और वहाँ की जनता उनसे क्या उम्मीद करती है। जी बिल्कुल, खैरागढ़ के लिए बीजेपी भी अपनी जान झोंकती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया, में तमाम जानकारी देने के लिए।